जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज 7.1 के बारे में। कल के वीडियो में हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। आज के वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चनों का इंटीग्रेशन करना है, जिनमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चनों को यहाँ पर लिख लिया है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके कि किस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो मेरा नाम है पंकज कुमार और आप देख रहे हो आपका और हमारा प्यारा सा चैनल जय हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रेशन अंडर ब्रैकेट 4 e की पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हमें इसे ब्रेक करना होगा। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 4 e की पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 e की पावर 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, e की पावर 3x अपॉन में आ जाएगा 3, प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c लिख देंगे इंटीग्रेशन करने के बाद, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब हमें इसे पहले ब्रेक कर लेना है, फिर उसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो किस तरीके से ब्रेक करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी, यानी कि इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रेशन अंडर ब्रैकेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो पहले हमें इसे ब्रेक करना होगा। तो किस तरीके से ब्रेक करेंगे, इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी इंटू डी एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ए हमारा कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, लास्ट में हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखेंगे, यानी कि इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रेशन अंडर ब्रैकेट 2 एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो पहले हमें इसे ब्रेक करना होगा। तो इसे ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 2 एक्स की पावर 2 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस
ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू एक्स। लास्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना होता है, जो कि हम सी लिखते हैं, यानी कि इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रेशन अंडर ब्रैकेट अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स होल ब्रैकेट का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने से पहले हमें पहले इसे ओपन करना होगा, यानी कि सिंप्लीफाई करना होगा। ध्यान से देखोगे तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, यानी कि पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और हमें पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। पहले हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स। अब हमें इसे ब्रेक कर लेना है इंटीग्रेशन करने के लिए, तो ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन बाई एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन टू इंटू डी एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉड ऑफ x, माइनस टू का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस टू एक्स। लास्ट में हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिखेंगे, यानी कि इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से प्लस फाइव एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा एक्स प्लस ये हो जाएगा फाइव ये हो जाएगा फोर। एक्स स्क्वायर को हम ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस टू इंटू डी एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए पहले इसे ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फाइव इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फोर एक्स की पावर माइनस टू इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस फाइव इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फाइव एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फोर। ध्यान देना, एक्स की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर माइनस वन। लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर इस वाले क्वेश्चन का। ध्यान देना कि एक्स की पावर माइनस वन को कैसे लिखा जा सकता है, इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस फाइव एक्स माइनस फोर। एक्स की पावर माइनस वन को अपान में ले सकते हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा फोर बाई एक्स प्लस सी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस फोर होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने से पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस फोर होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर वन बाई टू
इंटू डी एक्स। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब, एक्स की पावर 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -1/2 प्लस 3x इंटू एक्स की पावर -1/2 प्लस 4, एक्स की पावर 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -1/2 इंटू डी एक्स। हमें इसे और सिंप्लीफाई कर लेना है तो इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5/2 प्लस ये हो जाएगा 3, एक्स की पावर 1/2 प्लस ये हो जाएगा 4, एक्स की पावर -1/2 इंटू डी एक्स। अब हमें इसे पहले ब्रेक कर लेना है, फिर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5/2 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 3 एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 4 एक्स की पावर -1/2 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 7/2 अपॉन 7/2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1/2। लास्ट में हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखेंगे। इससे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 एक्स की पावर 7/2 अपॉन 7 प्लस 3 से 3 कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 एक्स की पावर 3/2। ये हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 8 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। ये आ जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ध्यान देना, एक्स की पावर 1/2 को अंडर रूट एक्स में भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन करने से पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इसे सिंप्लीफाई करेंगे इंटीग्रेशन। ध्यान से देखोगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर। इसे बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स माइनस वन। यहाँ पर क्या है, प्लस एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे प्लस एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस एक कैंसल आउट हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन करने के लिए पहले इसे हम ब्रेक कर लेंगे। तो ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाय थ्री, वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, लास्ट में हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखेंगे। यानी कि इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रेशन अंडर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज, अंडर रूट एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब आगे इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स की पावर 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे।
तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2, माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले हमें इसे ब्रेक कर लेना है। तो ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। तो एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 5/2 अपॉन में 5/2, लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखेंगे। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। ये आ जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा, तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। अब आगे क्या करेंगे, एक्स की पावर 1/2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन 3x की पावर 5/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 3x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इसे ब्रेक करना होगा, तो ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 3x की पावर 5/2 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 3x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 3x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस ये हो जाएगा 2x की पावर 5/2 अपॉन 5/2, ये हो जाएगा 3x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 6x की पावर 7/2 अपॉन 7 प्लस 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4x की पावर 5/2 अपॉन 5 प्लस 3 से 3 कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा 2x की पावर 3/2 प्लस सी। ये आ जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रेशन अंडर ब्रैकेट 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, इसे ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक किस तरीके से करेंगे, इंटीग्रेशन 2x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 3 cos x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू डी एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² / 2, 2 से 2 कैंसल, माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस e^x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा e^x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यानी कि ये आ जाएगा हमारा आंसर इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रेशन अंडर ब्रैकेट 2x² माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स।
हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहले हम इसे ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 5 अंडर रूट एक्स को कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखेंगे। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2/3 एक्स क्यूब माइनस, ये देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 कॉस एक्स, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस सी। ये आ जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स। तो पहले हमें इसे सिंप्लीफाई कर लेना है फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, sec x का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स। अब हमें इसे ब्रेक कर लेना है। ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, लास्ट में हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखेंगे। यानी कि ये आ जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है जिसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। sec स्क्वायर x को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर x। cosec स्क्वायर x को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो sin स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान से देखोगे तो ये टैन बन रहा है तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा टैन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ध्यान देना कि टैन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, यानी कि हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान दो, टैन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, यानी कि tan स्क्वायर x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब हमें इसे ब्रेक कर लेना है। ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x और 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी लगा देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आ जाएगा हमारा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे फिर उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे।
सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, इंटीग्रेट 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान देना, इंटीग्रेशन 2 कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान देना तो आगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, ये क्या हो जाएगा टैन एक्स, और 1 बाई कॉस एक्स को कैसे लिख सकते हैं, सेक एक्स लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब हमें क्या करना है, इसे ब्रेक कर लेना है, ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 3 टैन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टैन एक्स, 2 हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा टैन एक्स माइनस 3 हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, टैन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। लास्ट में हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आ जाएगा हमारा ये वाला। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन को किस तरीके से इंटीग्रेट करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।